चंदला विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक है। दिन दहाड़े अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर दौड़ते रहते हैं और जिम्मेदार अधिकारी रेत माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों खुलेआम दिन दहाड़े रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, लेकिन रेत माफियाओं के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। इससे जाहिर होता है रेत माफियाओं से अधिकारियों का गठजोड़ है। थाना गौरीहार, बारीगढ़, चंदला आदि थाना क्षेत्रों में लगातार रेत का अवैध परिवहन ट्रैक्टरों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। रेत माफिया दबंगई से बोलते हैं, थाने में पैसा देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ से लाए भाई? मवई घाट से। मवई घाट से। जैसे हमें अपना ट्रैक्टर चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो पैसा देना पड़ता है थानेदार को, तब वहाँ एंट्री होती है 10,000 रुपए। किस किस थाने में पैसा देना पड़ता है? गौरीहार थाने में कितना देना पड़ता है? 10,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं वहाँ पहरा चौकी में, 10,000 गौरीहार में, यहाँ लेते हैं प्रकाश मौरी में, सब चलने देते हैं। परेशान करती है। एंट्री तुम कहाँ कहाँ देते हो? तीनों थानों में देते हैं। और फिर इसके बाद कहाँ ले जाते हैं? महोबा। महोबा में कितने की बिकती है? पटवारा वहाँ बिकती है 7,000 की, 6,000 की बिकती है, 6,500 की बिकती है। मवई घाट से लेके आते हैं जी। इस इलाके के नेता और दबंग रेत के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं और यही इस माफिया के पोषक हैं। कुछ माफियाओं द्वारा मध्य प्रदेश से रेत का अवैध परिवहन कर रेत उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा भेजी जाती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।